एशियन पेंट का स्टॉक आज 100 रुपीज से भी ज्यादा डाउन है। उसके पीछे के दो बड़े रीजन, सबसे पहला रीजन जो रेटिंग एजेंसीज है उनको इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, वो एक वजह है। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि बिरला ग्रुप जो है वो भी अभी पेंट बिजनेस में आने के लिए सोच रहा है, तो इसी की वजह से ये दो न्यूज की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल हमें देखने को मिला। लेकिन यहाँ से ज्यादा डाउनफॉल आगे नहीं हो सकता क्योंकि ये कंपनी का जो कैश फ्लो है वो काफी अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, तो ज्यादा से ज्यादा 10-15% का, यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं 200-250 रुपीज का ही जो है डाउनफॉल हो सकता है, उसके बाद फॉल नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस कंपनी में टाइम करेक्शन जरूर आ सकता है, यानी कि एक ही प्राइस पे ये जो स्टॉक है वो लंबे समय तक रह सकता है। जो लोग रिस्क एडवर्स है वो इस प्राइस पॉइंट पे इस स्टॉक में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों को ग्रोथ चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, वो इस स्टॉक से दूर रहे तो ही अच्छा है। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए।